अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दशरथ, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबरक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं अल्लाह पाक इज़्ज़त अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पर आल पे लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और दूसरों तक शेयर करें। आज की वीडियो में हम एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो बिल्कुल इजी पैसा और जायज़ कैश की तरह है। जैसे हम इजी पैसा जायज़ कैश में बिल पे कर सकते हैं, किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम किसी के बैंक में अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम मोबाइल रिचार्ज करना है तो वो हम रिचार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इस तरह इस ऐप में भी ये तमाम फीचर मौजूद हैं कि आप इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए आप अपने किसी भी अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और आपका यानी कि इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, इजी पैसा अकाउंट के ऊपर आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो बआसानी इस ऐप के ज़रिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपका जायज़ कैश अकाउंट बना हुआ है तो आप जायज़ कैश के थ्रू भी आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपका एचबीएल कनेक्ट अकाउंट बना हुआ है, अगर आपका यानी कि बैंक अल हबीब का अकाउंट बना हुआ है, या आप जीएस ज़िंदगी ऐप बनी, जो भी एप्लीकेशन है जो बैंक से रिलेटेड है, बैंक के यानी कि फ़ंड के ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, वो तमाम तर अगर आपने इनके ऊपर कोई ट्रांजेक्शन करनी है, इनके ऊपर कोई अमाउंट सेंड करनी है, या आपने इनको बैलेंस सेंड करना है तो बआसानी इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए बैलेंस सेंड कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन का रद्द बदल कर सकते हैं। जी हाँ, यह ऐप है पेपाल। पेपाल एक ऐसी एप्लीकेशन है, एक ऐसी ऐप लॉन्च हुई है जो तकरीबन हर बंदा इसको यूज़ कर रहा है। तकरीबन पाकिस्तानी तकरीबन 100% पाकिस्तानी में, तकरीबन 60% 70% पाकिस्तानी जो ऐसे हैं जो पेपाल पे आ गए हैं। इसके अंदर तो ट्रांजेक्शन का तरीका है बहुत ही आसान होता है। इसमें आपको कहीं भी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने घर बैठे बआसानी पेपाल अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर बना इनके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट का तरीका बहुत ही मुख्तसर है, जस्ट आपकी सीएनसी नंबर पे ऊपर और जस्ट आपकी सिम के ऊपर ये बन सकता है। इस वीडियो में आपको तफसील से मैं आपको ये बताऊँगा कि हम पेपाल एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर हम अकाउंट कैसे बना सकते हैं, अकाउंट बनाने के बाद इसके ऊपर जो मज़ीद ट्रांजेक्शन है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन की तरह। वीडियो को आगे से बढ़ने से पहले अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल के आइकन पर लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। वीडियो को कहीं भी आप स्किप ना किया करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को कहीं स्किप कर लेते हैं तो बाद आपको कम्प्लीट समझ नहीं आती। तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। जब आप मोबाइल की स्क्रीन की तरफ आ जाएंगे, आपने सबसे पहले ऐसा करना है कि आपने इंटरनेट ऑप्शन को आपने एक्टिव कर लेना है, इंटरनेट ब्राउज़र को आपने एक्टिव कर लेना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। अब जैसे ही प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे, आपके सामने एक प्ले स्टोर की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। इस प्ले स्टोर की ऑप्शन भर के आपने यहाँ टाइप करना है पेपाल, पेपाल।
पेपाल अकाउंट पाकिस्तान या पेपाल आप में जैसे भी आपने यहाँ पर सर्च कर लेने का, आपके सामने एक किस्म का पेपाल अकाउंट का फर्स्ट पे के नाम से एक आपको टॉप के ऊपर जो ऐप है वो शो हो जाएगी। आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही यहाँ से क्लिक कर लेंगे आपको जो इंस्टॉल की ऑप्शन मांगेगा, ये HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड की तरफ से ये ऐप है जिसको हम फर्स्ट पे की कह सकते हैं, पेपाल भी कह सकते हैं, या अगर इसको हम दोबारा बैक जाते हैं दोबारा पेपाल कर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम सर्च करते हैं पेपाल, ओके हो गया जी, वही दोबारा ऑप्शन खुल जाएगी। यहाँ से हम फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे और इसके हम इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। अब जैसे हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे थोड़ी देर के बाद ये जो ऐप है हमारे मोबाइल के अंदर इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। जब इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इससे जो अगला स्टेप होगा इसके ऊपर आपने इसका अकाउंट बनाना है। ये 14.55 MB के टोटल ऐप है जो HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरफ से लॉन्च की गई है। इसका सबसे पहले फ़ायदा ये होता है कि आप बआसानी अपने मोबाइल के बिल पे कर सकते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं वो बिल भी आसानी पे कर सकते हैं, जो आपके सुई गैस के बिल हैं वो बआसानी पे कर सकती हैं। बिल्कुल सेम इसी ऐप की तरह जो इजी पैसा जैज कैश की तरह है, बिल्कुल सेम है, इसके अंदर सेम फी फैसिलिटी है। आप इसका दूसरे देखे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि ये HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक में आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रही हैं जो आप एज ए ऐप की सूरत में बना रही हैं। जब इसकी होता यह कि आपके पास जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके पास अपना वैलिड CNC होना ज़रूरी है और आपके इस मोबाइल में वो सिम होना ज़रूरी है जो आपके नाम पे रजिस्टर हो और जिस आपके नाम पे रजिस्टर हो, और दूसरी ऑप्शन कि जो आप जिस सिम पे भी आप अकाउंट बना रहे हैं वो आपके एंड्रॉयड मोबाइल में होना ज़रूरी है, क्योंकि एक वक्त में उसके ऊपर इनके OTP कोड भेज जाएगा, वो OTP कोड जो होता है आपकी सिम से वेरीफाई होगा। अब ये किस्म की इसकी जो इंस्टॉलेशन है इस ऐप की वो कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद हम इसको ओपन की कमांड के ऊपर क्लिक करके इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, इसको स्कैनिंग कर रहा है और वेरीफाइड बाय प्ले प्रोटेक्ट यानी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई होने के बाद जो ऑटोमेटिकली हमारे पास की जो अगली ऑप्शन आएगी वो ऑप्शन स्कैनिंग के बाद ओपन की आ जाएगी। ओपन की कमांड के ऊपर आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है। अब मैं यहाँ से ओपन की कमांड के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ आपके सामने किस पे ऐड चलना शुरू हो गए हैं। इसमें आपको मुख्तलिफ तरीके से इनके बताया जा रहा है कि यानी कि आप फर्स्ट पे से आप यानी कि कैश बराज डाल सकते हैं, आप पूंजी रकम वो आप भिजवा सकते हैं। इसके जो आगे जो इनकी जो इनकी वेबसाइट है वो आपको यहाँ से बताया जा रही है। अब इसको यानी कि अपडेट करना चाहें अपडेट भी कर सकती हैं आप इसको, यानी कि ट्विटर पर भी है, फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर है, यूट्यूब पर है, आप इसका जो भी है आप इसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इनके मुख्तलिफ मीडिया लिंक से आप बाखबर इसको टच रह सकते हैं। अब इसको यहाँ से अपडेट कर लेते हैं, इसको पहले हम बैक कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आपने करना क्या, आपने सबसे पहले इसके ऊपर आपने अकाउंट बनाना है। कहते जी हाउ टू फर्स्ट पे और द फर्स्ट पे कस्टमर, तो यहाँ से आपने कहते जी हाउ टू फर्स्ट पे, हम ऐसे कहते हैं इसको फ़िलहाल इसको स्कैप कर लेते हैं क्योंकि इसके ऐड चलना शुरू हो गए हैं। इसको हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जी आपने इसको अलाउ करनी है, तो यहाँ से जैसे फ़ोन कॉल हो गया है मैनेज हो गया तो आपने यहाँ से अलाउ कर लेनी है और पहला फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा जी। मैं इसको बैक कर लेता हूँ। पहला इसका जो अकाउंट है जी के मोबाइल नंबर और दूसरा इंटर जो CNC विद डैशेस, यानी कि आपने वो मोबाइल नंबर दर्ज करना है। आप एज ए रजिस्टर हो रहे हैं इसके ऊपर अपना अकाउंट बना रही हैं तो आपने वो मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल हो और आपके यानी कि सिम आपके मोबाइल में मौजूद हो, वो आपने अपने सिम का नंबर दर्ज करना है। दूसरा अकने इंटर द CNC विदआउट डैशेज, यानी कि आपने दूसरी जो ऑप्शन है वो आपने CNC नंबर दर्ज करना है जो डैशेज के बगैर है। तो मैं यहाँ से मोबाइल नंबर दर्ज कर लेता हूँ। तो CNC में दर्ज कर लेता हूँ, ओके हो गया। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद CNC दर्ज करने के बाद आप ऐसा करना है कि आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब जैसे नेक्स्ट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने अगली इसकी जो ऑप्शन आएगी फिर आपने नेक्स्ट कर लेना है।
ये थोड़ा सा एरर आना शुरू हो गया जी, यू नॉट रजिस्टर। थोड़ा सा हमारा सीएनसी गलत है, इसको दोबारा हम टाइप कर लेते हैं। अब इसको हम दोबारा ओके जी, नेक्स्ट हो गया जी। ओके, यू आर नॉट रजिस्टर्ड कस्टमर इनवैलिड डिटेल। कहते जी आप सबसे पहले रजिस्टर हों, क्योंकि हमने पहले अकाउंट नहीं बनाया तो हम बैक चले जाते हैं। और हाउ टू फर्स्ट पे, ये उस वक्त हमने गलती से हमने फर्स्ट पे कस्टमर पे क्लिक कर दिया था। हाउ टू फर्स्ट पे के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक कर लेंगे आपने कस्टमर विद, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है। अच्छा जी, ये हमने मोबाइल नंबर दर्ज कर लिया। अब इसके साथ क्रिएट वॉलेट, यानी कि अपना अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगली मौजूद है इंटर द CNC नंबर। मैं यहाँ अपना CNC नंबर दर्ज कर लेता हूँ। मतलब CNC इशू डेट, कहते जी जो आपका CNC जिस डेट को इशू हुआ है वो आप यहाँ इसकी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी CNC की डेट इशू होगी वो नादा से वेरीफाई होगी। नादा से वेरीफाई होने के बाद वो यहाँ से ओके जी, ओके हो गया जी। और इसका हम कर लेते हैं जी, ओके हो गया जी। ये तमाम तरह इशू, यानी कि CNC इशू डेट लिखने के बाद अब आपने करना क्या है, अब आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये नादा कुछ इनकी टर्म एंड कंडीशन जो आपको फॉलो करेंगे कि आई हैव रीड द अंडरस्टैंड टर्म एंड कंडीशन, प्रोवाइड मोबाइल नंबर रजिस्टर विद PTA इन माई नेम, आई एम नॉट ए सिटीजन आर द एक्सेबल ऑफ द एनी अदर कंट्री दैट एट पाकिस्तान। कहते जी आपने तमाम इन कंडीशन को आपने चेक करके आपने एक्सेप्ट कर लेनी है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट जो OTP कोड होगा, जो आपके मोबाइल नंबर पे आपको ऑटोमेटिकली भेजा जाएगा, वो आपने OTP कोड अपने यहाँ से रजिस्टर कर लेना है अपनी, यानी कि अपने मोबाइल में वो इंटर कर लेना है। अब मैं यहाँ से जो OTP कोड होगा मैं यहाँ से वो दर्ज कर लेता हूँ। ओके हो गया जी, और नेक्स्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लूँगा, हमारा जो अगला ऑप्शन आया है कि HBL माइक्रोफाइनेंस बैंक एजेंसी डज नॉट एग्जैक्ट इन नादरा डाटाबेस। कहते जी ये आपका जो, या ऐसा करते हैं कि हम किसी और दूसरे मोबाइल नंबर पे हम बना लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा जो NSA नंबर लिखा था वो हमने इसको गलत टाइप हुआ, कलेक्ट कर लेते हैं, नंबर भी हम चेंज कर लेते हैं। और इसका हम जिस डेट को इशू हुआ है जी वो भी हम इसको डेट हम दोबारा हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपने थोड़ा सा थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो जाए तो नादर से वेरीफाई नहीं होता। ओके हो गया जी, आपने एक्सेप्ट कर लेना है तीन ऑप्शन को। एक्सेप्ट करके आप क्लिक कर दें, आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली भेजा जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपको OTP कोड का आपको यहाँ से उठा लेगा। ओके हो गया जी, ऑटोफिल आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट के बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, एक किस्म का वो जो OTP कोड है जो आपके मोबाइल से भेजा जाएगा वो आपको यहाँ से वेरीफाई होगा। आप इसको यानी कि ईमेल से भी कर सकते हैं, नॉट अबव, अगर आप लिंक बनाना चाहते हैं ईमेल से तो नॉट अबव भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि मिडल नेम आपका, यानी कि जो नाम है उसने खुद ब खुद उठा लिया है मोहम्मद, और आगे उसका मोहम्मद अरशद उठा लिया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो आती है कि सिलेक्ट द मदर नेम, आपकी जो वालदा का जो नाम है वो आपने सिलेक्ट करना है। तो मैं, मेरी वालदा का नाम है वो जो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ रेडियो बटन के ऊपर। उसके बाद आप जी सिलेक्ट सिटी, आपने यहाँ से सिलेक्ट की सिटी की यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आप किस शहर में रहते हैं, तो आपने यहाँ से भी इस सिटी का आपने हवाला दे देना है। उसके बाद आप जी ईमेल एड्रेस, अगर आपका कोई ईमेल एड्रेस है तो आप ईमेल एड्रेस भी टाइप यहाँ कर सकते हैं। ओके हो गया जी। उसके बाद अगली हमारी ऑप्शन आती है जी, दोबारा थोड़ा सा ये पीछे हम आ गए हैं। ओके नेक्स्ट,
ये दोबारा इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके हो गया जी। ऑटोमेटिकली जो कोड होगा वो यहाँ से उठा लेगा। ऑटो डिटेक्ट की ऑप्शन आती है जी, जो हमारे मोबाइल पे वो कोड भेजा जाएगा। ऑटो फिल नेक्स्ट। ओके ओके नेक्स्ट। ओके हो गया जी। इसको आपने कंडीशन को आपने एक्सेप्ट कर लेना है, यस कर लेना है, वो ऑटोमेटिक और कोड आपके मोबाइल पे डिटेक्ट हो जाएगा। अगर आपके डिटेक्ट नहीं होता तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट। वो जो OTP कोड आता है आपके मोबाइल से वेरीफाई किया जाता है आपको, यानी कि वो जीमेल अकाउंट देना चाहते हैं तो आप इसको जीमेल अकाउंट भी दे लिंक कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो नन ऑफ दीज अबव खा ले सकते हैं। इसके बाद अगली जो ऑप्शन है कि वो आपकी वालदा का नाम पूछा जाएगा। आपने वालदा का नाम क्लिक करके अगली आपने ऑप्शन करनी है सिलेक्ट सिटी, तो हमें यहाँ से मैं सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके हो गया जी। उसके बाद अगर ईमेल एड्रेस अगर है तो आप ईमेल एड्रेस भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ईमेल एड्रेस होते हैं। ओके उसके बाद अगले जो हमारे पास ऑप्शन आएगी नेक्स्ट, और एक थोड़ी सी ऑप्शन रह गई है कि हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस। कहते जी कि आप हमसे जो तलब रखेंगे वो कैसे है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कि गूगल एड अदरवाइज या अदर या आउटडोर एक्टिविटी। आप कैसे कहते हैं कि हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, यूट्यूब भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बटन क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद इंटर और कंफर्म पासवर्ड, ये आपने बहुत चीज़ें याद रखनी है कि इसमें आपने वो पासवर्ड का अंदराज करना है जो आपने अपने अकाउंट के साथ लिंक कर रहे हैं। वो जो पासवर्ड है वो कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, और इनके नंबर भी हो सकता है और A to Z भी हो सकता है। कहते हैं कि पासवर्ड मस्ट कंटेन मिनिमम 1 नंबर 0 to 9। पासवर्ड मस्ट कंटेन मिनिमम 1 अल्फाबेटिक A to Z और A to Z। इंटर पासवर्ड एंड वेरीफाई पासवर्ड मस्ट मैच, यानी कि जो आप पासवर्ड इंटर कर रहे हैं जो अपने अकाउंट का बना रहे हैं, एक तो आपके किसी से आपने पासवर्ड शेयर नहीं करना, वो जो पासवर्ड है आपकी ज़ाती मलकियत है। तो मैं यहाँ से पासवर्ड बना लेता हूँ। ये पासवर्ड टाइप करने के बाद मैं रजिस्टर नाउ के ऑटो पे क्लिक कर लेता हूँ। ये थोड़ी देर में ये वेरीफाई होगा कि आपने जो आप पासवर्ड डाला है या फर्स्ट पे जब आप अकाउंट पे आप रजिस्टर हो रहे हैं तो उनको वेरीफाई करेगा, तब आपको ये दोबारा रिप्लाई आएगा। ओके हो गया जी। हम इसके ऊपर यानी कि हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है, उसने हमें ये मैसेज भी दे दिया है कि फॉर ए बेटर एक्सपीरियंस टर्म ऑफ डिवाइस लोकेशन विद ट्विच यूजर गूगल लोकेशन सर्विस, यानी कि आप कुछ अगर आप बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यानी कि आप इसमें मज़ीद इसके लोकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। अगर आप लोकेशन को ऑन नहीं करना चाहते नो थैंक्स के ऊपर आप क्लिक करके इसको लोकेशन को ऑन नहीं कर सकते। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा
आप इसको यानी कि अलाउ कर दें, ओके हो गया। अब हमें किस्म का ये फर्स्ट पे का यानी कि मेन इंटरफेस ओपन हो गया है। मेन इंटरफेस के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये टॉप पे मिला 50 रुपये का आपको एक बोनस दिया, जो यानी कि जो आप फर्स्ट स्टेप इनकी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, इनकी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको फर्स्ट जो इनका दिया जाता है वो आपको 50 रुपीज़ का बोनस दिया जाता है। इसमें यानी कि लास्ट ट्रांजेक्शन है, क्विक पे है, इस्लामाबाद है, यानी कि मैंने फंड है, सेंड मनी है, लोन है, पे बिल है, मोबाइल टॉपअप है, अदर बहुत सारी इसके अंदर ऑप्शन है जो कि आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताया है कि हम फर्स्ट पे पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जब बहुत ही अच्छी ऐप है, बहुत कुछ लोगों ने यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी इसको ऐप को इंस्टॉल करें और इससे बहुत कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि हम फर्स्ट पे पे यानी कि बिल के ऐप कैसे कर सकते हैं, बे के लिए यानी कि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, इन्वेस्टमेंट के, इंश्योरेंस के हैं, गैस के हैं, जो भी आप किस्म की मुख्तलिफ किस्म के बिल हैं जो आप पे कर सकते हैं, आप इससे यानी कि लोन कैसे ले सकते हैं, और अदर वॉलेट के ऑप्शन में जाके आप रिक्वेस्ट मनी है, माई बिल है, बहुत सारी ऑप्शन है कैसे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिल जाएगी अगली वीडियो में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिया मानदिल्ला, अल्लाह हाफिज़।